Pilot, ठीक है? हम एक मिनट एक मागे सरका मागे सरका मागे सरका मागे सरका सर थोड़ा अरे सरका मागे गोंधळ घालू नका गोंधळ आप किस तरह देखते हैं इस मामले को? मुझे इस विषय के बारे में कुछ भी नहीं कहना है, सब हमारे हैं और सब समझकर काम करेंगे। जिस तरह से सरजील उस्मानी आते हैं वादग्रस्त वक्तव्य करते हैं तो उसके ऊपर कार्रवाई नहीं होती, लेकिन एक छोटे से मैटर को लेकर काफ़ी तत्परता दिखाई देती है और कार्रवाई हो जाती है। मुझे वह राजनीतिक विषय के बारे में कुछ नहीं कहना है। मैं इतना ही कहूँगा कि अफगानिस्तान में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के बाद अमेरिका ने अफगानिस्तान में आतंकवादियों का तालिबान का शासन ख़त्म किया और बराबर 20 वर्षों के बाद तालिबान ने अफगानिस्तान कब्जे किया। अब भारत को सबसे ज़्यादा खतरा है क्योंकि तालिबान विचार का केंद्र भारत में है। भारत में दारुल उलूम देवबंद जो यूपी में है, तबलीग जमात इनका हेडक्वार्टर दिल्ली में निज़ामुद्दीन ओलिया में है और जमायत उलेमाए हिंद, ये तीनों दुनिया के 67 देश में तालिबानी विचार का केंद्र है। तो अब आतंकवादी खतरा भारत को है और भारत को यह खतरे से निपटने का सब मिलकर प्रयास करना चाहिए। तीसरा कोरोना का वेव आने की आज भी संभावितता है, इसलिए सभी सरकारों को उनमें लगना चाहिए और जनता को सरकार को सहयोग देना चाहिए। तालिबान को निपटने के लिए भारत ने क्या कदम उठाने चाहिए? तालिबान को निपटने के लिए भारत को सबसे पहले यह विचार है, तालिबान व्यक्ति नहीं है और यह विचार है तो विचार का केंद्र भारत में है। तो दारुल उलूम देवबंद, तबलीग जमात और जमायत उलेमा हिंद तीनों पर प्रतिबंध लगाना देना चाहिए। तबलीग जमात मानी बड़ा भाई का कुर्ता और छोटा भाई का पजामा व तगलीब जमात, यह सभी तालिबान तबलीग जमात के मदरसों की पैदाइश है और भारत के नागपुर में की भी हर गली में हर जगह उनकी मस्जिद, उनके मदरसा मौलवी है। तो केंद्र सरकार तुरंत यह तीनों पर प्रतिबंध लगाए तो आने वाले भारत का तालिबानीकरण बच सकता है। भारत में भी कुछ तालिबानी लोग शरणार्थी के तौर पे हैं ऐसा लगता है? अफगानिस्तान के एक भी मुस्लिम अफगान को भारत में शरण नहीं देनी चाहिए, सभी हिंदू सिखों को देनी चाहिए। फ्रांस ने ऐसे ही नाइजीरिया बाकी देशों के मुसलमानों को शरण दी, उनकी तीसरी पीढ़ी फ्रांस के पुलिस की कत्ल कर रही है। हमें अफगान शरणार्थी मुसलमान की भावी पीढ़ियाँ यहाँ के पुलिस की कत्ल करें नहीं चाहिए। एक भी अफगान मुस्लिमों को भारत को शरण नहीं देने चाहिए, उनके शरण देने के 44 मुसलमान देश है। यदि तुर्कस्तान ने अफगान मुसलमानों के लिए अपनी बॉर्डर बंद कर दी है तो भारत सरकार को अपनी बॉर्डर अफगान मुस्लिमों के लिए नहीं खोलनी चाहिए। राम मंदिर निर्माण के बारे में क्या कहेंगे, स्पीड कैसी है उसकी? अरे राम मंदिर निर्माण हो रहा है और राम मंदिर का हीरो तो दो ही है, अशोक सिंगल बाला साहेब ठाकरे और तीसरे कल्याण सिंह।
कल्याण सिंह को वहां के पुलिस चीफ ने 6 दिसंबर को कहा कि कार से ऊपर गोलियां चलाने का आदेश दो। मैं भी अयोध्या में था। कल्याण सिंह ने कहा गोली नहीं चलेगी और 4:30 बजे बाबरी ढांचा ढह गया। कल्याण सिंह ने अपने हाथों से अपना मुख्यमंत्री का इस्तीफा दे दिया। उन्होंने राम को पसंद किया, अपनी कुर्सी छोड़ दी। स्वतंत्र भारत में राम मंदिर के 3 ही नायक है, अशोक सिंगल, हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे और कल्याण सिंह। शिवसेना और भाजपा में जो भी तनाव है आपको क्या लगता है निपटना चाहिए? अरे राजनीति में चलता रहता भाई, चिंता मत करो, कभी गले लग जाएंगे, कभी झगड़ते रहेंगे। वो उद्धव जी होंगे, नारायण राणे होंगे, सबका चलता रहता है, वो चिंता मत करो, वो घर में बैठकर खाना भी खा लेंगे। आपको लगता है विपक्ष को मजबूती देने की जरूरत है? एक तो देश में 10 करोड़ बेरोजगार है, महंगाई सिर से ऊपर जा रही है, किसानों को फसल का दाम नहीं मिल रहा है। उस स्थिति में देश के सभी विपक्षों को मिलकर गरीबों की आवाज़, मजदूरों की आवाज़, बेरोजगार युवाओं की आवाज़ और किसानों की आवाज़ उठाना चाहिए। उठाने का प्रयास कर रहे हैं पर मिलकर करना चाहिए। क्या आपसे कोई सहायता हो सकती है? हम तो देश हित में भाजपा काम करेंगे तो भाजपा जिंदाबाद कहेंगे, देश हित में शिवसेना काम करेंगे तो शिवसेना जिंदाबाद, NCP कांग्रेस काम करेंगे तो वह भी जिंदाबाद। हम तो देश हित में काम करते हैं। अब हम किसी दल के गुलाम नहीं हैं, किसी दल के गुलाम नहीं हैं। हम तो हिंदुओं के गुलाम बनने निकले थे और हमारा पुरखा और औरंगजेब का पुरखा एक नहीं है, मेरा पुरखा तो छत्रपति शिवाजी महाराज है।